हेलो डी स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह पहुंचे विश्वविद्यालय जौनपुर से काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन हम आप सबके लिए लेके आए हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसा हमने आपको कुछ दिनों पहले एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि कौनसल विश्वविद्यालय का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम पीएचडी की नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट प्रांचल विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते थे और वो काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे, काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि प्रांचल विश्वविद्यालय में पीएचडी का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन कब जारी होगा और हम उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ ही साथ आइए स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्या बड़ी इन्फॉर्मेशन हम आप सबके लिए लेके आए हैं। जैसा हमने स्टार्टिंग बताया कि वीर बहादुर सिंह पांचल विश्वविद्यालय, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए आज हम लोग किस कौन से टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जैसे जो बच्चे नेट हैं, जेआरएफ हैं, गेट हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटीज होने वाली हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और साथ ही साथ बात करें अगर प्रोफेसर के अंदर में कितने भी स्टूडेंट्स रिसर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइंस क्या होंगी और उसके साथ साथ पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा इस बार 60 न्यू गाइडर्स को ऐड किया जा रहा है। कहने का मतलब ये कि इस बार पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 60 नए ऐसे टीचर्स होंगे जिसके अंडर में लगभग 300 नए स्टूडेंट्स या 300 नए सीट्स वहाँ पर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पीएचडी एंट्रेंस के लिए बढ़ गया है। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम वन बाई वन, जैसे अगर हम बात करें कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे जेआरएफ हैं, नेट हैं, एनगेट क्वालिफाइड हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम एक वर्ड लिख रहे हैं एग्जाम, इन लोगों को एंट्रेंस का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, क्या एंट्रेंस का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इन सभी स्टूडेंट्स को पूर्वांचल विश्वविद्यालय द्वारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म जब आएगा उस फॉर्म को फिल करना होगा। तो कहने का मतलब ये सभी स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ये सभी स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब एग्जाम होगा, एग्जाम में इनके पास यह ऑप्शंस होगा, ये चाहे तो वो एंट्रेंस एग्जाम दे भी सकते हैं, ये चाहे तो वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं भी दे सकते। तो इनके पास दोनों भी पॉसिबिलिटी रहेगी, अगर इनका मन करेगा तो ये स्टूडेंट्स अपना एग्जाम दे भी सकते हैं, ये स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं भी दे सकते क्योंकि ये ऑलरेडी जो हमारा CSIR की बात करें या फिर UGC की बात करें, ये दोनों नेट क्या है, ये सब क्वालिफाइड है। साथ ही साथ आपको पता है कि इस बार से जो हमारा CSIR या UGC नेट है, इसमें एक चीज और बढ़ा दिया गया, एलिजिबल फॉर PhD। यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट्स वहाँ पे देख सकते हैं कि यदि पहले क्या होता था, JRF होते थे फिर नेट होते थे, लेकिन अब इसके साथ साथ JRF नेट के साथ अब यहाँ पे PhD का होल्डर्स के लिए भी बना दिया गया कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स नेट JRF नहीं हो पा रहा है लेकिन वो PhD एंट्रेंस के लिए भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे ये सब देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा जो गाइडर्स होते हैं, जो गाइडर्स करने का मतलब ऐसे टीचर्स जिसके अंडर में स्टूडेंट्स पीएचडी करते हैं। अब देखिए जो प्रोफेसर्स की रैंक्स होती है वो थ्री रैंक्स होती है, थ्री टाइप्स की। पहला जो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, दूसरा एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं और सबसे सीनियर क्या होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनके अंडर में 4 रिसर्चर्स वर्क कर सकते हैं, 4 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक एसोसिएट प्रोफेसर के अंतर्गत रिसर्च कर सकते हैं। तो एक एसोसिएट प्रोफेसर के अंतर्गत 4 स्टूडेंट्स रिसर्च कर सकते हैं, तो एक एसोसिएट प्रोफेसर के अंतर्गत एक एसोसिएट प्रोफेसर के अंतर्गत कितने स्टूडेंट्स वर्क कर सकते हैं, 6 रिसर्चर्स, और एक प्रोफेसर के अंडर आप कह सकते हैं 8 रिसर्चर्स वर्क कर सकते हैं। इसके बाद बात करें एंट्रेंस एग्जाम डेट की, जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम कब कराया जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अभी इसकी बात करें नोटिफिकेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स लोगों ने ये कमेंट किया था कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा और ये एग्जाम कब कंडक्ट होगा। देखिए अभी इसके बारे में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा कोई स्पेसिफिक ना ही मंथ बताया गया है, ना ही डेट बताया गया है कि हम एग्जाम का नोटिफिकेशन कब जारी करेंगे। जी हाँ, लेकिन पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा यह कहा जा रहा है कि हम जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। तो फिलहाल अभी ये दोनों मैटर पे हमारा क्या है, सस्पेंशन बरकरार हुआ है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा और एंट्रेंस एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें जो अप्रॉक्स कह सकते हैं कि हमारा नवंबर या फिर दिसंबर में आपका ये नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, नवंबर लास्ट तक या फिर दिसंबर में हमारा ये पीएचडी एंट्रेंस रिलेटेड नोटिफिकेशन पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो टोटली बेस्ड होगा यूजीसी गाइडलाइन, यूजीसी गाइडलाइन जो होगा उसी के अकॉर्डिंग टोटली बेस्ड होगा। अब देखिए यूजीसी गाइडलाइन में टोटली बेस्ड होने का मतलब क्या है, जैसे अगर हम बात करें पास मार्किंग, क्या करें पास मार्किंग की बात करें कि कौन सा स्टूडेंट्स का क्वालिफाई हुआ, कितना मार्क्स मिनिमम मार्क्स पे हम
स्टूडेंट को क्वालिफाई करेंगे। तो इसके लिए जो यूजीसी का गाइडलाइन है हम उसी को फॉलो करेंगे, ऐसा पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने कहा है कि जो यूजीसी के द्वारा डिसाइडेड है कि मिनिमम 50%, 40%, 30% के नीचे के स्टूडेंट्स को हम क्वालिफाई नहीं कर सकते, या क्वालिफाई करें कितने स्टूडेंट्स को एलिजिबल फॉर पीएचडी के लिए करेंगे या नहीं करेंगे, वो सब अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइन होगा। जो यूजीसी की गाइडलाइन होती है उसी के अकॉर्डिंग पूर्वांचल विश्वविद्यालय आपका वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं कि जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा, क्या टोटल सीट पे एग्जाम कराया जाएगा, या टोटल जो सीट्स हैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पास उस पर एग्जाम कराया जाएगा? नहीं, टोटल सीट्स पे एग्जाम नहीं कराते। जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पास सीट्स होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला होता है 60% और दूसरा होता है क्या बेटा, 40%। अगर हम बात करें जो 60% होते हैं ये हमारा रिजर्व होता है। ये क्या होता है? हमारा रिजर्व होता है। किसके लिए रिजर्व होता है? यह इन्हीं कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व करा दिया गया। ऐसे स्टूडेंट्स जो नेट जीआरएफ और गेट क्वालिफाइड है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए 60% सीट पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा रिजर्व करा दिया जाता है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ 40% सीट्स होती है जिसपे पूर्वांचल विश्वविद्यालय आपका एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा, एंट्रेंस एग्जाम लेगा और यहाँ पे स्टूडेंट्स को पीएचडी करने का मौका देगा। यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं, कौन स्टूडेंट फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट सिर्फ प्लेन एमएससी होते हैं, जो स्टूडेंट सिर्फ प्लेन एमएससी होते हैं या फिर वो एमएससी पास आउट होते हैं, यह एग्जाम 40% स्टूडेंट्स देके अपना पीएचडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि हम बात करें क्या पूर्वांचल विश्वविद्यालय 100% सीट पर एंट्रेंस एग्जाम कराएगा, नहीं, पूर्वांचल विश्वविद्यालय सिर्फ 40% सीट पर एंट्रेंस एग्जाम कराता है, बाकी जो 60% सीट्स होती हैं वो नेट जीआरएफ गेट स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब हमारे एंट्रेंस एग्जाम या फिर 60% सीट जो रिजर्व है अगर यहाँ पे पर्याप्त स्टूडेंट्स नहीं मिल पाते तो ये जो सीट है वो आपका कन्वर्ट कर दे 40% में, कि जो स्टूडेंट्स हमारे नेट जीआरएफ यहाँ से एंट्रेंस एग्जाम से पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई किए हैं उनको ये सीट दे दिया जाए। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा किसके लिए आता है? नेट गेट जीआरएफ के स्टूडेंट्स के लिए, कि जो अगर क्वालिफाइड है और उतने भी हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाते देन ये टोटली उनके पास चला जाएगा। अगर उतने में स्टूडेंट्स नहीं मिल पाते, हमारे पास स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं, देन हम इसको 40% में शिफ्ट कर देंगे, जितना स्टूडेंट्स मिलेंगे हम उनको इधर कर लेंगे, उसके बाद फिर हम 40% में बच्चों को सीट्स अवेलेबल करा देंगे, उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये टोटल जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है, कैसे कराया जाता है, क्या क्या चीज़ों को फॉलो किया जाता है, हमने आपको सभी चीज़ें बता दी। एक चीज़ फिर से मैं आपको बता चुका हूँ, जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का भी नोटिफिकेशन, किसी भी प्रकार के कोई भी नोटिफिकेशन पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया है। हाँ, फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि यह उम्मीद बनाई गई है, उम्मीद की जा सकती है कि जो नोटिफिकेशन है वो हमारा नवंबर लास्ट दिसंबर के में हमको यह नोटिफिकेशन पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा देखा जा सकता है। तो वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।